हमारी सेना तैयार कीजिए, तैयार कीजिए हमारी सेना। धूप सिंह, उस धूप सिंह की रियासत को हम मिट्टी में मिला देंगे। सिर्फ मिट्टी में क्यों मिलाएं, उसकी रियासत को हम आग लगा देंगे, आग लगाकर खाक कर देंगे, राख कर देंगे उसकी रियासत को। जाबरा, आप यहां से इतने उत्साह से गए थे अपने बचपन के दोस्त राजा धूप सिंह से मिलने के लिए उनकी दावत में, फिर वहां ऐसा क्या हुआ? अपनी महफिल में बुलाकर उन्होंने हमारी बेइज्जती की है, हमारी पीठ में छुरा घोपा है उन्होंने। क्या, कहां छुरा घोपा है? बहादुर शाही कौन है? हम हमें बताइए, हम वो छुरा अभी निकाल देंगे। खामोश खरगोश, मदरसे के दिनों से हमसे जलते हैं वो, लेकिन हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। जापना, अगर आप हमें ये बताएंगे कि राजा धूप सिंह ने आपकी किस तरह से बेइज्जती की, तो उनकी सजा तजवीज करने में हमें मदद मिलेगी। सब लोग एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश थे वहां पर। फिर अरे भाई, यू उठा के मारकर हंसे हुए तो हमें एक जमाना हो गया। धूप सिंह जी, जितनी शानदार आपकी मूंछें हैं उतनी शानदार आपकी मेहमान नवाजी है। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। जलाल, जब तक अशरफ मियां की धड़कती हुई शायरी न हो जाए तब तक मजा नहीं आएगा। मूंछों में मूंछ, धूप सिंह की मूंछ। अमा मियां, आपने हुक्म दिया, समझ लीजिए कि हमने अर्ज कर दिया। इरशाद इरशाद, अर्ज किया है, जितना बड़ा पहाड़ उतनी ज्यादा सर्द, जितनी बड़ी मूंछ उतना बड़ा मर्द। भाई एक शेर और पेशे खिदमत है, मजा आ जाएगा। सच्चाई है सच्चाई, मुकर्रर। अर्ज किया है, बिना प्यार का दर्द दर्द नहीं, बिना प्यार का दर्द दर्द नहीं। वाह, छोटी मूंछ का मर्द मर्द नहीं। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अशर मियां, तुम्हारा कहने का मतलब जलाल मर्द नहीं? भाई जलाल, बुरा मत मानना, इतनी छोटी मूंछ लेकर इतने बड़े हिंदुस्तान का भार कैसे संभालते हो? सोची समझी साजिश के तहत आपने हमारी बेइज्जती की है धूप सिंह, बहुत महंगा पड़ेगा। ये तो कसदान की बेइज्जती है जहांपनाह। हमें धूप सिंह की रियासत पर जल्द से जल्द हमला करके उसे नेस्त से नाबूद कर देना चाहिए। नहीं मुल्ला जी, गलती राजा धूप सिंह ने की है, फिर उसकी सजा उनकी प्रजा को क्यों मिले? अगर सजा देनी है तो सिर्फ धूप सिंह को। आपकी बात में वजन है बीरबल, हमें धूप सिंह को सजा देनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए जहांपनाह, हम अपने सिपाहियों से उनका सर कटवा देंगे। नहीं मुल्ला जी, अगर कटवाना ही है तो उनकी मूंछें कटवा दीजिए, उन्हें अपनी मूंछों पर बड़ा नाज है। आपके इस बात में सबसे ज्यादा वजन है बीरबल। मुल्ला, उनकी मूंछों को कटवाने का इंतजाम किया जाए। नहीं जहां बना, हमने अगर उनकी मूंछें कटवा दी तो इसमें मजा नहीं। मजा तो तब है जापना, असली सजा तो तब है जब वो खुद अपने हाथों से अपनी मूंछों को मुंडवाए। वाह बीरबल, इस बात में तो सबसे ज्यादा वजन है, आपकी बातों का वजन तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो ठीक है जापना, हम अपने सैनिक से संदेश भिजवा देंगे कि आपने अपनी रियासत में उनकी मूंछों की बड़ी तारीफ की है। इतनी तारीफ की है कि इस रियासत के सभी लोग उनकी लंबी मूंछों का दीदार करने के लिए
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा, ये सुनते ही वो भागे भागे चले आएंगे। नहीं मुल्ला जी, राजा धूप सिंह को यहां बुलाना, अपने घर बुलाना और उन पर घात करना, ये हमें शोभा नहीं दे। गुस्ताखी की माफी चाहूंगा जहां पर, लेकिन उसने भी आपको अपने घर पर बुलाकर आपकी बेइज्जती की है। गुस्ताखी माफ जापना, लेकिन हमने भी उनके साथ ऐसे ही किया, तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? मुल्ला जी, राजा धूप सिंह के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, याद रहेगा ना? तरीके शक। एक और बात मुल्ला जी, राजा धूप सिंह को यह संदेशा भिजवाइए कि उनके साथ उनकी रानी साहिबा भी यहां आए, उनकी रानी साहिबा से मिलकर हमारी रानी साहिबा को बड़ी खुशी होगी और हमें भी। आइए 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 धूप सिंह जी, आइए, बादशाह अकबर के महल में आपका स्वागत। हमारा यार ये लाल कहा है, मूछा में मूछ, धूप सिंह की मूछ। जहां पना भी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं, आप अपनी तशरीफ ले आ सकते हैं। आप लोग सफर से थक गए होंगे, चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। धूप जी आप चलिए, हम थोड़ी देर में रानी साहिबा से मिलकर आते हैं। छाया जी जल्दी आइएगा, अभी हमारी मूछों को तेल पिलाने का समय आ गया। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। आदाब आदाब जनाब आली, आदाब और मुबारक हो आपको। तशरीफ रखे मियां जी। जी शुक्रिया। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? दरअसल दुनिया के सभी मुल्क मिलकर उन सभी चीजों को संभालना चाहते हैं जो दुनिया के लिए नायाब है, जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ दिखाने के लिए रखना चाहिए। क्यों? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मूछ में मूछ, धूप सिंह की मूछ। वैसे इसमें तो और भी अच्छी बात यह है कि आपकी ये खूबसूरत मूछे माशाल्लाह उन नायाब चीजों में से एक है जो दुनिया को बताने के लिए रखना चाहिए। सोचिए सोचिए जनाब सोचिए, आपकी ये मूछे माशाल्लाह पूरी दुनिया में जगह जगह परसों परसों घुमाए जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे आप मशहूर। मियां इसके लिए हमें करना क्या होगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, आपकी ये लंबी लंबी मूछों को काट कर आप उन्हें दे दीजिए, फिर वो उसे मसाला वसाला लगाकर हमेशा हमेशा के लिए महफूज रख लेंगे। क्या कहता भी नहीं, ये मूछ मेरी आन बान मान सम्मान है, जब तक हम जिंदा रहेंगे ये मूछ जिंदा रहेगी, जब हम मर जाएंगे मूछ भी हमारे साथ जल जाएगी। हमारे कुस्ता की मुआफ जहां पर ना, लेकिन धूप सिंह अपनी मूछों के लिए तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। पहला फुसला कर या समझा बुझा कर उनकी मूछें कटवाना तो नामुमकिन है। आप दोनों यहाँ पर हमें ये बताने आए हैं कि उनकी मूछें कटवाने का कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है जहाँ पर, जो इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता वो अपनी शान की परवाह करता। क्या मतलब है आपका? मतलब आप धूप सिंह से शर्त लगाई, और शर्त ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो हार जाए तो उन्हें अपनी मूछें मुंडवानी पड़े। बात खूब। शर्त क्या लगाएंगे हम? कोई भी ऐसी शर्त जिसमें आपकी जीत हो जहां पर। लेकिन आप दोनों को लगता है कि वो हमारे साथ शर्त लगाने के लिए राजी होंगे? जा पला, धूप सिंह आपके बचपन के दोस्त हैं। थे धूप सिंह आपके बचपन के दोस्त थे, आप शुरुआत उनकी मूछों के तारीफ से कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने मकसद तक पहुंच जाइए। मूछ में मूछ,
धूप सिंह की मूछ। वाह 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 धूप सिंह वाह, क्या कमाल की मूछ है आपकी। अरे कल रात हमने एक ख्वाब देखा जिसमें हमने देखा कि आपकी मूछ और भी बड़ी और भी शानदार हो गई है। वैसे भी जलाल, इस दुनिया में मेरी मूछ सबसे बड़ी और शानदार है। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। ये दुनिया बहुत बड़ी है धूप सिंह, हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी मूछ आपकी मूछ से भी ज्यादा बड़ी हो। जलाल, इस दुनिया में मुझसे बड़ी मूछ न देखी है न सुनी है। मैं दावे घर कहता हूँ, अगर कोई है उसको मेरे सामने पेश के जाए। अगर मुझसे बड़ी उसकी मूछ हुई तो मैं अपनी मूछ कटवाने को तैयार हूँ। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। आपने पहले कभी तो ऐसा नहीं कहा। पहले नहीं कहा तो अब कह देता हूँ। है कोई सूरवीर आपके यहाँ पे या कहीं और जिसकी मूछ मुझसे बड़ी मूछ हो? अगर है तो उसे मेरे सामने पेश किया जाए, मैं अपनी मूछ कटवाने को तैयार हूँ। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। इन्होंने तो खुद से ही हमारा काम आसान कर दिया। चलिए लग गई शर्त। जलाल, शर्त दोनों तरफ से लगती है। अगर आप मेरे सामने मुझसे बड़ी मूछ वाला शख्स पेश नहीं कर पाए तो आपको भी अपनी मूछ कटवानी पड़ेगी। हमें मंजूर है। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। पूछों में पूछ, बंदर की पूछ। धूप सिंह की पत्नी छायामती ने हमसे कहा है, पत्नी जितने ज्यादा जेवर पहनती है पति उतना ही आकर्षित होता है। अब देखते हैं जहां पना इतने सारे गहने देखकर आकर्षित होते कि नहीं। आगे आगे आगे। सारी साहिबा, कैसी हैं आप? ये क्या, इन्होंने तो हमें ठीक से देखा भी नहीं। लगता है और ज्यादा गहने पहनने पड़ेंगे, और ज्यादा। छायामती, जनाब बीरबल जी, क्या आपने सुना कि जहां पना धूप सिंह से क्या शर्त लगाकर आ रही है? सुना मुल्ला जी, गलत शर्त लगा ली जहां पना ने। हम भी किसी ऐसे इंसान को नहीं जानते जिसकी मूछें इतनी लंबी हो। हमें तो लगता है कि धूप सिंह की मूछों से भी लंबी लेकिन नकली मूछ बनवा लेनी चाहिए। नहीं मुल्ला जी, झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। राजा बीरबल, राजा बीरबल, राजा बीरबल। अरे राजा दरबार, बदतमीज। माफ़ी, राजा बीरबल, रानी साहिबा बेहोश होकर गिर गई। चलिए यहाँ पर ज्यादा जेवर पहनने की वजह से रानी साहिबा को गर्मी लग गई है, और गर्मी लगने की वजह से चक्कर आ गए हैं, और चक्कर आने की वजह से बेहोश हो गई हैं। बाकी सब ठीक है। सलीम के अबू जी, रानी साहिबा। अरे आप नहीं है सलीम के अबू, हम है सलीम के अबू, आप क्यों बोल रहे हैं? आप जाइए, हो गया, उनको होश आ गया, आप जाइए। माफ कीजिएगा, हमें इजाजत दीजिएगा जहाँ पर ना, हमारा भी काटी की दवा लेने का वक्त हो रहा है। मत लीजिए दवा, आप गुजर जाइए। साहिबा कैसी हैं आप? सलीम के अबू, क्या है ये, क्या क्या हाल बना रखा है आपने? इतने सारे जेवर क्यों पहने हैं आपने? क्यों इच्छाधारी नागिन बन के बैठी है? क्या करें सलीम के अबू, आपके जो वो दोस्त है ना, दोस्त धूप सिंह। अरे वो अब हमारे दोस्त नहीं रहे। मर गए? अरे मरे नहीं है, मतलब वो हैं लेकिन हमारे दोस्त नहीं है। हैं, जिंदा हैं, दोस्त नहीं है बस। अच्छा तो उनकी बीवी जो छायामती है, क्या हुआ? हैं। उसने हमसे कहा कि पत्नी जितने गहने पहने ना उतना अच्छा होता है, पति आकर्षित हो जाता है, फिदा हो जाता है पत्नी पे। रानी साहिबा कितनी बेवकूफी की बात है, हम तो पहले से आप पर फिदा हैं रानी साहिबा। अरे जेवरों की क्या बिसात, ये आपको खूबसूरत बनाएंगी। रानी साहिबा आप तो पहले से ही दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। सच्चा पना मोच रानी साहिबा। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, हम समझ गए जहाँ पना दो इंसानों के बीच का रिश्ता
जेवरों से नहीं बल्कि प्यार और भरोसे से होता है। हम समझ गए रानी साहिबा। अरे आइए। जहां पना रानी साहिबा के अदब में इस खदीम का बहादब सलाम। जहां पना की जय हो। क्या हुआ रानी साहिबा को? अरे कुछ नहीं, जरा से चक्कर आ गए थे। अरे वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और वैसे भी रानी साहिबा की फिक्र करना छोड़िए और हमारी फिक्र कीजिए। वो धूप सिंह से लंबी बड़ी मूंछों वाला इंसान मिला कि नहीं? ऐसे इंसान का मिलना बहुत जरूरी है। ढूंढ कर लाइए कहीं से भी। जी जापन। जहां पना सलामत रहे। पर क्या करेंगे हम सलामत रहकर? बिना मूछों के कैसी लगेगी हमारी शक्ल? बिल्कुल कद्दू। जी नहीं जहां पना, आप माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत लगेंगे। बल्कि आपकी फिक्र तो खत्म हो चुकी है। जी हाँ जहां पना, हमने धूप सिंह से भी बड़ी मूछों वाला शख्स ढूंढ लिया है। जी हाँ जहां पना। अब अगर आप चाहें तो कल ही धूप सिंह और उस शख्स की मूछों के बीच मुकाबला करवा के देख सकते हैं। मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। कल धूप सिंह की मूछ का आखिरी दिन है। जलाल, वो शख्स कहाँ है जिसकी मूछ हमसे बड़ी मूछ है? मूछों में मूछ, धूप सिंह की मूछ। मिलवाते हैं धूप सिंह। इतनी जल्दी भी क्या है? आ गए चापना। ये है वो शख्स जहां पना। आइए आइए आइए, हम अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। चलिए अब आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं तो जरा अपनी मूछों को अपने कंधों से हटाइए और दिखाइए। हम भी तो देखें किसकी मूछें ज्यादा बड़ी हैं और ज्यादा लंबी। इनकी मूछ वाकई हमसे बड़ी मूछ है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तेरे हार स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा धूप। आपने कहा था कि अगर हमने आपको एक ऐसे इंसान से मिला दिया जिसकी मूछें आपकी मूछों से ज्यादा बड़ी हैं, तो आप अपनी मूछें कटवा देंगे। मैं अपनी मूछें कटवाने को तैयार हूं। भूल चाल। हुजूर, जी हुजूर, अभी लीजिए हुजूर। रुक जाइए हुजूर, इनकी मूछें कटवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको हराने के लिए ही मैंने नकली मूछे बनवाई है। क्या उस्ताद, हमारे दरबार में आके हमारे साथ फरेब किया आपने, आपको इसकी सजा दी जाएगी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। हम आपको 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इसे। हुजूर, आपका हुक्म सलाखों पे। ले जाओ। हुजूर, हम चलते हैं। रुक जाइए। जा अपना, ये झूठ बोल रहे हैं।
इनकी मूछे नकली नहीं, असली। नहीं नहीं, हमारी मूछे नकली हैं। बीरबल, जब ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि इनकी मूछे नकली हैं, किस बिना पर आप कह रहे हैं कि इनकी मूछे असली हैं? जहां बना अगर यकीन न आए तो इनकी मूछे खींच कर देखिए, उखाड़ कर देखिए। हम अब भी कहते हैं कि इनकी मूछे नकली नहीं, असली हैं। बासु, छोड़ दीजिए। देखा जा अपना, इनकी मूछें असली। हम तो तभी समझ गए थे जब इन्होंने अपनी मूछों को उठाकर चूमा और अपने माथे से लगाया था। कोई इंसान जिसने बरसों अपनी मूछों को बढ़ाया, अपने बच्चे की तरह उन मूछों को पाला पोसा हो, वो इंसान अपने मूछ से इतना प्यार कर सकता है। ये इंसान अपनी मूछों को नकली क्यों बता रहे थे? वो इसलिए जा पाना क्योंकि इनके मूछों जितना ही बड़ा इनका दिल है। ये तो साधु संत आदमी है जा पाना। ये जानते हैं कि इन्हें इतनी मूछ रखने में कितनी दिक्कत हुई, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये भी जानते हैं कि उतनी ही दिक्कत और उतनी ही कठिनाइयां आपके दोस्त राजा दूप सिंह को भी हुई होंगी। ये जानते हैं जापना कि जितना दुख इन्हें अपनी मूछों के कटने पर होगा, उतना ही दुख राजा दूप सिंह को उनकी मूछों के कटने पर भी होगा, और ये राजा दूप सिंह को उस दुख से बचाना चाहते हैं। फिलहाल मैं समझ गया, बड़ी मूछ रखने से कोई बड़ा मर्द नहीं बन जाता, बड़ा मर्द तो बड़े दिल से होता है, वो मेरे में नहीं है। ऐसी बात नहीं है धूप। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? सत्य। सत्य को इतनी दौलत दी जाए कि इनकी सात पुश्ते घर बैठकर खाएं। शुक्रिया शुक्रिया जापना, शुक्रिया। जलाल, मैं आपका मुजरिम हूँ, आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। धूप सिंह, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। रही बात सजा की, तो आप हमारे दोस्त थे, दोस्त हैं, और हमेशा हमारे दोस्त रहेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है। राम राजी जय।